शादी में आना ना, 5 लाख लेके मैं शादी करूंगा। पहले आपके मोबाइल पे क्लिक, आगे 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 इस पे क्लिक कर दो, किया अब एक ओटीपी आएगा। आ गया वो ओटीपी का जादुई नंबर मुझे बता दो। हाँ लिख लो, दो 11 11 वही होने वाला हूँ मैं। क्या क्या बोले सर? क्या क्या नहीं बोला सर? हाँ हैप्पी दिवाली सर। हाँ हैप्पी दिवाला, हैप्पी दिवाला। छोड़ो जान दो, मुझे सुबह से लग रहा था मेरे अकाउंट में पैसे आने वाले। मुझे बैंक से फोन आया, मैंने आधार कार्ड पैन कार्ड ये भी दे दिया। 5 लाख रुपए की लॉटरी लगी है भाई, 5 लाख रुपए लगे, मैं शादी करूंगा, ये देखो मैसेज आ गया। पर ये क्या, मेरे अकाउंट से तो 5 लाख चले गए। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। तो दोस्तों आपको भी ऐसे फोन आते रहेंगे कि हम बैंक से बात करें, आधार कार्ड दे दो, पैन कार्ड दे दो, केवाईसी अपडेट करवाना है। तो याद रखो, बैंक कभी भी ऐसे कॉल नहीं करती। अगर हमें केवाईसी अपडेट करवाना है या बैंक का जो कुछ काम है, हमें खुद बैंक में जाकर करना होता है, ना कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी भी चीज की ओटीपी। ओटीपी यानी क्या? वन टाइम पासवर्ड। ये पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए रहता है। अगर आपने ओटीपी शेयर कर दिया तो आपका भी अकाउंट खाली हो जाएगा। आपको फोन आते रहेंगे कि भाई आपको लॉटरी लगी है 50,000 की, लेकिन पहले एक काम कर दो, 2,000 हमें भेज दो, बाद में जो बची हुई रकम हम भेज देंगे। तो याद रखो, वो 2,000 तो नहीं आएंगे, वो 50 भी नहीं आएंगे। आजकल एक नया फ्रॉड निकला है कि भाई तुमको मैं नौकरी दिलाता हूँ, मुझे 50,000 रुपए दे दो। तो याद रखो, बिना इंटरव्यू या बिना क्वालिफिकेशन के किसी को भी नौकरी नहीं मिलती। ये सब साइबर फ्रॉड है। फिर भी अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया तो डरो मत। क्या करना है? डरने की कोई बात है नहीं। अगर गलती से आपके साथ अगर साइबर क्राइम हो भी जाता है तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाए, वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करिए। नहीं तो एक टोल फ्री नंबर है 1930, मतलब 1930, इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो। देखो दोस्तों, ये साइबर फ्रॉड करने वाले क्या करते हैं, हमें डराते हैं, धमकाते हैं। तो डरना नहीं है, डरना मना है। जो डर गया वो मर गया। हाँ बस यही होता है। याद रखो, एक सिंपल एक आसान तरीका है। अगर मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आपको लॉटरी लगी है या कोई ब्लैकमेल करने वाला ऐसे फोन आता है, तो आपको जितनी गालियाँ आती है ना, सब गालियाँ शुरू कर दो। अगर आप डर गए तो वो आपको बार बार कॉल करेंगे, लेकिन आप गुस्सा होकर गालियां देना शुरू कर दोगे तो वो आपको फिर से फोन नहीं करेंगे। समझ में आई बात? आसान तरीका है। बस आसाम अपना बारपेटा पुलिस ने आपकी तरफ एक कदम बढ़ाया, एक कदम आप भी बढ़ाओ। सतर्क रहो, सुरक्षित रहो, देश के तरक्की में हाथ बटाओ। बोलो भारत माता की जय। धन्यवाद। ऐसे ही खड़े रहो। पुलिस टीम के साथ एक फोटो लेते, पुलिस टीम आ जाओ, पुलिस टीम एक ग्रुप फोटो लेते हैं, आ जाओ। कितना किसी का फोटो? हाँ जितने शो होंगे उतना आ जाओ। लवकर फोटो घीसो, फोटो भाषा से कर दिया।